दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता परत दर परत दुनिया के सामने आ रही है। जैसे जैसे हिसार की राखीगढ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जमीन के नीचे का सच सामने आ रहा है, दुनिया भर में इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी है। 7500 साल पुरानी हिसार की राखीगढ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब तक हड़प्पन सभ्यता से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी साइट मानी जा रही है। जो ये राखीगढ़ी में हड़प्पाकालीन साइट पे जो खुदाई हुई है, इसमें जो स्केल्टन मिले हैं वो सियोल यूनिवर्सिटी कोरिया चले गए। वो कोरिया इसलिए गए कि ताकि उनका डीएनए टेस्ट हो सके। दुनिया की सबसे बेहतरीन डीएनए टेस्टिंग जो है कोरिया में मानी गई है। राखीगढ़ी साइट पर मौजूद एक कब्रगाह में मिले कंकालों ने इतिहास को समझने की एक नई दिशा इतिहासकारों और मानव विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों के सामने खोल कर रख दी है। माना जा रहा है कि 7500 साल पहले जो लोग राखीगढ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिले कब्रगाह में दफन किए गए थे, उन्हीं के वंशज आज भी राखीगढ़ी गांव में रहते हैं। कब्रगाह में मिले कंकालों के डीएनए टेस्ट और राखीगढ़ी गांव के रहने वाले ग्रामीणों के डीएनए टेस्ट के अध्ययन के बाद ही इस जैविक सच को साबित किया जा सकेगा। उसके स्केल्टन के जो स्टोमस के अंदर से डीएनए जो अंडे हैं जो बाद में जीवाणु पौधे उनसे डीएनए निकाल के, और वो उनकी ये सोच है कि हम मैच कराएं यहाँ के जो अब आदमी बस रहे हैं रह रहे हैं मौजूदा हालात में उनका डीएनए और उनका डीएनए क्या मेल खाता है। तो राखीगढ़ी साइट से मिले कंकालों के डीएनए और राखीगढ़ी गांव में रहने वाले ग्रामीणों का डीएनए अगर एक जैसा हुआ तो फिर इसे दुनिया में सबसे पुराना लगातार रहने वाला मानव वास मान लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी साबित हो जाएगा कि हड़प्पन सभ्यता कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बल्कि 7500 साल बाद भी हड़प्पन सभ्यता से जुड़ा जीवन आज भी चल रहा है, वो भी उसी जगह और अपने विकसित रूप में। जो 5000 साल पहले हड़प्पाकालीन के लोग थे उनका डीएनए और अब जो मौजूदा हालात में राखीगढ़ी में जो लोग रह रहे हैं इनका पूरा मैच खाने की संभावना है। बल्कि ये है कि जो पूरे हरियाणा में आजकल जो लोग बस रहे हैं उनका डीएनए और उनका डीएनए मेल खाएगा। इसके अलावा दुनिया भर के वैज्ञानिक हैदराबाद की डीएनए लैब में इन कंकालों के डीएनए को समझने में लग गए हैं। इसके अलावा हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और डेनमार्क यूनिवर्सिटी से जुड़े इतिहास के जानकार भी इस खोज में अब शामिल हो चुके हैं। डीएनए टेस्ट होने के बाद ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि ये जो हड़प्पा काल के लोग जो आज से 6000 साल पहले यहाँ थे वो बाहर से आए थे कि यहीं के थे। मूलतः संभावना 100% ये जताई जा रही है कि डीएनए टेस्ट भी उनका पूर्णतः मेल खाएगा। राखीगढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए का भेद खुलने के साथ ही इतिहासकारों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि हड़प्पन सभ्यता की शुरुआत में ये लोग क्या हिंदुस्तान के रहने वाले थे या कहीं बाहर से आकर यहाँ बसे थे। इसके अलावा हड़प्पन सभ्यता का उदय और अंत कैसे हुआ, ये सारे राज भी बेपर्दा हो जाएंगे। नारनौल से सहयोगी सुरेश थारा के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।